इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में, बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्र वधु, अंकित इति जैन पौत्र पौत्र वधु, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपौत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमी ऊण वड्यमानम परम पाणम जिनम तिशोधेण वोच्छामि रयण सारम सायारिणयारिधम मीणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय, आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। वर्णन चल रहा है गुरु भक्ति के बिना सब निष्फल है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस रयणसार ग्रंथ में हमें गुरु भक्ति का महत्व समझा रहे हैं कि जैसे जब तक हमारे अंदर गुरु के प्रति भक्ति और विनय नहीं होगी तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन का पहला सूत्र है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना, उनकी भक्ति स्तुति करना। वास्तव में बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कोई भी कार्य की सिद्धि हो तो उसमें कोई ना कोई कारण जरूर होता है। वही बात आचार्य महाराज अगली गाथा में कह रहे हैं। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 80। सम्मान विना रुई भक्ति, सम्मान विना रुई भक्ति, विना दानम दया विना धम्मो, विना दानम दया विना गुरु भक्ति विना तव गुण, गुरु भक्ति विना तव गुण, चारित्रम निफलम जान, चारित्रम निफलम जान। बोलिए सम्मान विना रुई भक्ति, विना दानम दया विना धम्मो, गुरु भक्ति विना तव गुण, चारित्रम निष्फलम जान। किसके बिना क्या निष्फल है ये बात आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। सम्मान विना रुई, सम्मान अर्थात सम्मान आदर भाव, विना मतलब बिना, आदर भाव और सम्मान के बिना रुई अर्थात रुचि, किसी के प्रति प्रेम भाव, किसी के प्रति भी प्रेम भाव स्नेह भाव वो तभी हो पाएगा जब उसके प्रति सम्मान होगा। सम्मान के बिना रुचि नहीं होती, प्रेम नहीं होता। आगे कह रहे हैं भक्ति विना दानम, भक्ति के बिना दान देना, जहाँ दान देते समय हमारे अंदर सामने वाले के प्रति भक्ति ना हो, सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए हम दान दे रहे हों, दूसरों को दिखाने के लिए दान दे रहे हों, अपनी यश और प्रसिद्धि के लिए दान दे रहे हों, तो वह भक्ति के बिना दान व्यर्थ है। आगे कह रहे हैं दया विना धम्मो, और दया के बिना धर्म, धर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव नहीं है,
तो फिर वह धर्म किस काम का? वह धर्म धर्म नहीं है। आगे कह रहे हैं, उसी प्रकार गुरु भक्ति विना, गुरुओं की भक्ति के बिना, सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर जो साधु हैं, ऐसे उन गुरुओं की भक्ति के बिना तव गुण चारित्तम, तप गुण अर्थात चाहे मूल गुण या उत्तर गुण, और चारित्तम अर्थात चारित्र, ये सब निष्फलम जान, निष्फल जानना चाहिए। निष्फल का मतलब व्यर्थ, बेकार। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ पर। तप गुण और चारित्र बेकार हैं, निष्फल हैं, व्यर्थ हैं, किसके बिना? गुरु भक्ति के बिना। कोई महान साधक बहुत तप कर रहे हैं, कठिन व्रत साधना कर रहे हैं, लेकिन गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, गुरु आज्ञा में नहीं है, गुरु आज्ञा को उल्लंघन करके कृतघ्नि बनकर के संसार में भटक रहे हैं, वे कितने भी साधक, कितने ही बड़े महान तपस्वी क्यों न हो जाएं, व्यर्थ हैं, बेकार है। जैसे दया के बिना धर्म, भक्ति के बिना दान, और सम्मान के बिना रुचि या प्रेम व्यर्थ कहे जाते हैं। इसलिए हमें चाहे प्रेम स्नेह की बात करें, चाहे धर्म की बात करें, चाहे दान की, चाहे तप गुण चारित्र की, इन सब में कहीं ना कहीं जो कारण हैं जिनसे युक्त होना आवश्यक है, उनसे युक्त होकर के ही हमें वो क्रिया करनी चाहिए। भैया जी, गुरु भक्ति करते समय शिष्य को क्या सोचना चाहिए? गुरु भक्ति करते समय शिष्य को दो मुख्य बातों पर विचार करना चाहिए। एक तो गुरु के प्रति उपकार भाव, गुरु ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है, मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो अनगढ़ पत्थर था, गुरु ने मुझे मूर्ति का रूप दिया, मुझे पूज्य बना दिया, मैं पहले क्या था? जरा अपने अस्तित्व के बारे में हम सोचे, पहले हम क्या थे? माता पिता ने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया, मेरे इस शरीर को पाल पोष करके बड़ा किया, लेकिन ये गुरु ही तो हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, आगे बढ़ाया, और न केवल इतना किया बल्कि मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए मुझे दीक्षा भी दी। तो गुरु के प्रति सबसे पहले उपकार भाव अपने अंदर जागृत होना चाहिए, क्योंकि जो उपकार से रहित अपकार भाव को रखता है, गुरु का अपमान करता है। सामने तो हो सकता है खूब भक्ति पूजा करे, स्तुति करे, लेकिन अंतरंग में उनके प्रति श्रद्धा भक्ति ना हो, ऐसे शिष्य या ऐसे लोग कृतज्ञ नहीं, कृतघ्नि कहे जाते हैं। और कृतघ्नता दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। नीतिकार कहते हैं, पांचों पापों से तो दूर हुआ जा सकता है, लेकिन जिसके जीवन में कृतघ्नता है, चाहे माता पिता हो, चाहे गुरु हो, उनके प्रति जो उन्होंने हमारा उपकार किया, हम उस उपकार का स्मरण ही नहीं कर रहे और उल्टा उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें दोष दे रहे हैं, ये कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा भाव हमें रखना चाहिए, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भक्ति। ऐसा नहीं है कि गुरु की भक्ति करते समय ही ये भाव रखें। भक्ति का मतलब सिर्फ जब वैयावृत्ति कर रहे हैं तभी नहीं, गुरु की भक्ति तो 24 घंटे होती है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, गुरुओं ने हमारा उपकार किया, आज हम आपके समक्ष कुछ बोल पा रहे हैं, आज चैनल पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे धर्म गुरु रहे आदरणीय बड़े पंडित जी बेनाड़ा साहब। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने जब वो थे तभी हमने उनकी वैयावृत्ति या सेवा करी, वही गुरु भक्ति है। आज हम उनका स्मरण करते हैं तो ये भी तो गुरु भक्ति है। तो गुरु भक्ति 24 घंटे होती है, और अगर मुनि महाराज की अपेक्षा से बात करें तो वो तो प्रतिपल उपकार से युक्त होकर के उसका उनका स्मरण करते हैं। तो जो निस्वार्थ भावना की बात चल रही है, उस गुरु की भक्ति करते समय, गुरु की सेवा करते समय किसी प्रकार का कोई पद प्रतिष्ठा की वांछा न रखें। मैं सेवा करूँगा तो गुरु मुझे आचार्य पद दे देंगे, मैं सेवा करूँगा तो मुझे इनाम दे देंगे, मुझे ये पद दे देंगे। यदि इस प्रकार की कोई स्वार्थ भावना है तो वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, गुरु भक्ति अगर देखनी है तो देखिए पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज की। उन्होंने ज्ञान सागर महाराज की किस प्रकार वैयावृत्ति की, किस प्रकार सेवा की, और किस प्रकार भक्ति की और कर रहे हैं।
आज भी प्रतिपल उनका वो स्मरण करते हैं। जब समाधि का काल था उस समय का वर्णन जब हम पढ़ते हैं, धन्य है वे श्रावक जिन्होंने अपनी आँखों से वो दृश्य देखे। हम तो सिर्फ पढ़ करके और सुन करके ही इतना हमारे हृदय में भाव श्रद्धा भक्ति से झुक जाता है गुरु के प्रति कि सोचिए उनकी इतनी वैयावृत्ति कोई ऐसा बेटा भी नहीं करता जिसको अपने पिता की संपत्ति मिलने वाली हो। और जब गुरु ने आचार्य पद देने की बात की तो पूज्य विद्यासागर महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया, महाराज मैं नहीं लूँगा। वो तो फिर उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा तब जाकर के स्वीकार किया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, भक्ति और सेवा करते समय कोई स्वार्थ भाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। पूज्य गुरुदेव सुहासागर महाराज जी कहते हैं, जब आचार्य श्री से यह प्रश्न पूछा गया और उन्होंने वो अपने बारे में स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं आप मुझे संघ से बाहर उपदेश देने के लिए प्रभाव न करने के लिए भेज रहे हैं, मुझे क्या करना है, तो आचार्य श्री ने कहा दो बातों का ध्यान रखना, निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी दूसरे का अहित करना नहीं। बस पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी भी कहते हैं जब आचार्य श्री से उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो उन्होंने कहा जाओ दो बातों का ध्यान रखना, निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करना नहीं, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और आज वही हो रहा है। तो जहाँ निस्वार्थ भक्ति होती है, निस्वार्थ सेवा होती है, वहाँ सब कुछ प्राप्त होता है। गुरु के उपकारों का स्मरण करते करते तो जितना कहा जाए उतना कम है। और वास्तव में इस गाथा में भी आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि गुरु भक्ति के बिना सब व्यर्थ है और गुरु भक्ति के साथ में सब कुछ सार्थक है, सब कुछ सफल है। आइए अगली गाथा देखते हैं जिसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं क्या हे है, क्या उपादेय है और सच्चा सुख किसमें है। देखीणा दान वियार, विहीणा दो बाहि रख सोखम ही, विहीणा दो बाहि रख सोखम ही, किम तजियम किम भजियम, किम तजियम किम भजियम, किम मोक्षम नदिठ जिणोदिठम, किम मोक्षम नदिठ जिणोदिठम। बोलिए एक साथ, हीणा दान वियार, विहीणा दो बाहि रख सोखम ही, किम तजियम किम भजियम, किम मोक्षम नम दिठ जिणोदिठम। आइए शब्दार्थ देखते हैं। हीणा दान वियार विहीणा दो, हीणा दान, हीण आदान, हीण माने निंद्य निम्न और आदान माने ग्रहण करना ग्राह्य। निंद्य और ग्राह्य के वियार विहीणादो विचार से जो रहित हैं, क्या निंदनीय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, जिसके पास ऐसा विचार ही नहीं है मुझे क्या ग्रहण करना है क्या छोड़ना है, ऐसा व्यक्ति ही माने निश्चय से बाहिरख सोखम, बाहिर अख सोखम, बाह्य अख माने अक्ष इंद्रियां, बाह्य इंद्रियों के सोखम अर्थात सुख को ही सुख मानता है, क्योंकि वो ये तो जानता नहीं है मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, वो तो बस इंद्रिय सुख को ही सुख मानता है। ऐसा वह व्यक्ति किम तजियम किम भजियम, क्या त्याज्य है क्या छोड़ने योग्य है और क्या भजियम अर्थात ग्रहण करने योग्य है, क्या उपादेय है, किम मोक्षम और मोक्ष क्या है, नदिठम वह नहीं देखता है, ऐसा जिणुदिठम जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कहने का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसकी दृष्टि में या जिसका भाव किधर है, बाह्य इंद्रिय सुख में जिसका भाव है दृष्टि उधर है उसी सुख को वो सुख मान रहा है, ऐसा व्यक्ति निंदनीय और ग्रहणीय इनके विचार के भेद से रहित है। क्या ग्रहण करने योग्य है क्या छोड़ने योग्य है इस विचार से वो रहित है, मोक्ष क्या है इसका भी वो विचार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता क्योंकि वो बाह्य इंद्रियों के सुख में ही सुख मान रहा है, सच्चे सुख और शाश्वत सुख की तरफ उसका ध्यान नहीं है और वो
त्याज्य और ग्रहण करने योग्य, इसके विवेक से रहित होने के कारण से संसार में ही भटकता है, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। भैया जी, तो फिर सच्चा सुख क्या है? यहाँ अज्ञानी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो इंद्रिय सुख को सुख मानता है, लेकिन वास्तव में वो सच्चा सुख नहीं है, ये तो क्षणिक सुख है। सच्चा सुख है अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से रहित है, इंद्रियातीत है, जो आत्मा का सुख है। जैसे आचार्यों ने लिखा ना, इंद्रियों के सुख से बढ़कर के जब सुख की बात की जाती है, ये सुख तो क्षणिक है, थोड़े समय का है, लेकिन जब आत्म स्वरूप में लीन होने का जो आनंद है, पंडित दौलत राम जी ने लिखा, वह आनंद अहमिंद्र इंद्र नागेंद्र के भी नहीं है। आत्मानुभव का, आत्मा में रमण करने का, आत्म स्वरूप में लीन होने का, और जब आत्म स्वरूप में लीन होकर के जब शाश्वत सुख सिद्धालय को प्राप्त हो जाते हैं, तब वह सुख की तो फिर चर्चा ही क्या। तो कहने का मतलब सच्चा सुख तो एक ही है, जहां आठों कर्मों का नाश होकर के सिद्धालय में सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, वह सच्चा सुख कहा गया है। आज की कक्षा में जो दो गाथाएं हमने पढ़ी, उनका सार क्या है? सबसे पहली बात तो अपने जीवन में गांठ मान लें, गुरु की भक्ति अवश्य करें, क्योंकि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, कहते भी हैं। और हमें जब सौभाग्य से ऐसे सच्चे गुरु मिले हैं, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं ये मौका? इसलिए क्योंकि गुरु की भक्ति के बिना व्रत, नियम, संयम, सम्यक दर्शन सब बेकार है। इसलिए गुरुओं की भक्ति करें, ताकि हमारे व्रत, नियम, संयम सार्थक बने और हम कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ें। और फिर उसके साथ में हम ये विचार करें, मेरे लिए हेय क्या है और उपादेय क्या है, मुझे क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, मुझे पाप कषायों से बचना है, मुझे दान धर्म पूजा पाठ मेरे कर्तव्यों में लगना है, ये मेरे लिए उपादेय है। और इस उपादेय को, इन ग्रहण करने योग्य क्रियाओं को ग्रहण करके शाश्वत सुख की ओर हमारी दृष्टि हो, क्योंकि ये जो इंद्रिय सुख है, ये क्षणिक सुख है, शाश्वत सुख मोक्ष सुख है, और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना पड़ता है। हम सब उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें, इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की पुण्य स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्र वधु, अंकित इति जैन पौत्र पौत्र वधु, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमती पुष्पा देवी मुशरफ, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भागचंद जी मुशरफ, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री अरुण श्रीमती अमिता मुशरफ, पौत्र एवं पौत्र वधु श्री अंकेश श्रीमती इति जैन, पौत्री पयांशी जैन, प्रपोत्र अव्यान जैन एवं समस्त मुशरफ परिवार, देवनगर जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशि बाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन।